समय का एक चक्र है, चक्र चल रहा है, दिन और रात, दिन आता है चला जाता है, रात आती है चली जाती है, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, प्रकाश और अंधकार दोनों साथ चल रहे हैं, दिन और रात भी साथ चल रहे, पर इतना अंतर है कि जब दिन होता है रात नहीं होती, रात होती है तो दिन नहीं होता, पर ऐसा भी होता है कि दिन और रात दोनों साथ चल रहे हैं। आदमी प्रकाश भी करता है और रात भी साथ में चलती है। हम बाहर की दुनिया में देखें तो प्रकाश है, किंतु भीतर की दुनिया में देखें तो रात भी है अंधकार भी है, तो दिन और रात दोनों साथ चलते हैं। मनुष्य ने प्रयत्न किया अंधकार को मिटाने के लिए। वेद का एक बहुत अच्छा सूक्त है, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। आदमी को अंधकार पसंद नहीं है, क्यों? अंधकार में सही अर्थ का ज्ञान नहीं होता, पता नहीं चलता कुछ भी। प्रकाश चाहता है, तो प्रकाश क्या है? एक ज्योति जलाई प्रकाश हो गया, दिया जलाया प्रकाश हुआ, मोमबत्ती आई मोमबत्ती जलाई लालटेन जगाई, बिजली आ गई बिजली जलाई प्रकाश हो गया। प्रकाश का साधन आदमी ने खोजा और क्रम से विकास किया है। दिए से जितना प्रकाश होता था उससे 100 गुना प्रकाश आज बिजली के द्वारा हो जाता है, और सूर्य का प्रकाश तो ज्यादा है ही, प्राकृतिक है, पर मनुष्य ने प्रयत्न करके भी प्रकाश को प्राप्त किया है, अंधकार को मिटाना चाहा है। भीतर का प्रकाश कैसे हो? लिखा गया नानम पयास यरम, ज्ञान प्रकाश करने वाला है। सबसे बड़ा प्रकाश है ज्ञान। अगर ज्ञान नहीं है तो बाहर का प्रकाश भी कभी कभी समस्या पैदा कर देता है। ज्ञान सबसे बड़ा प्रकाश है। अगर ज्ञान नहीं है तो बाहर का प्रकाश भी हो नहीं सकता। अगर कोई व्यक्ति बटन दबाना नहीं जानता तो प्रकाश नहीं हो सकता, दिया जलाना नहीं जानता तो प्रकाश नहीं हो सकता।